सरकार में खाद्य एवं रसद व नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह आज मुरादाबाद जनपद के एक दिवसीय दौरे पर सर्किट हाउस पहुंचे। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर राज्य मंत्री ने सभी अधिकारियों को सरकार की योजनाओं से जुड़े दिशा निर्देश दिए। वहीं प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड जारी करने के साथ ही गेहूं क्रय केंद्रों पर कम खरीद के मुद्दे को लेकर राज्य मंत्री ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार सरकारी राशन में घटतौले की शिकायतों पर गंभीरता से कार्यवाही कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन आने वाले खाद्य एवं रसद विभाग में राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह ने आज सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या में वापस आने और उनके राशन की व्यवस्था को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा ज्यादा खाद्यान्न खरीदा गया है, जिसके जरिए प्रवासी मजदूरों को राशन मुहैया कराया जा रहा है। जनपद स्तर पर जिला अधिकारी के नेतृत्व में प्रवासी मजदूरों की पहचान कर राशन कार्ड बनाने का कार्य जारी है, जिसके जरिए एक यूनिट पर 3 किलो राशन बांटा जा रहा है। गेहूं के केंद्रों के लिए नई गाइडलाइन का जिक्र करते हुए राज्य मंत्री ने किसानों के घर से गेहूं उठाने का ऐलान भी किया है। सरकारी कोटेदार द्वारा राशन की घटतौली करने व कम राशन देने की शिकायत पर राज्य मंत्री ने दावा किया कि पिछले महीने ऐसे 600 कोटेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सरकार इस तरह की शिकायतों को लेकर काफी गंभीर है। केंद्र सरकार ने 10% एक्सेस खाद्यान्न का उठान किया है और वो उठान इसलिए किया है कि जो बाहरी मजदूर हैं, चाहे वो बिहार का हो, मध्य प्रदेश का हो, झारखंड का हो, उसको किसी तरह से खाने की कमी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने एक यूनिट पे 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने का प्रावधान किया है और उसकी एक समिति डीएम की अध्यक्षता में बनाई है और डीएम जिले का जो है वो सर्वे कराएंगे और ऐसे जितने मजदूर हैं उनको राशन कार्ड जारी करके उनको खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। समीक्षा बैठक हमने आज क्रय केंद्रों की है और उनमें कितने केंद्रों में कितने परसेंट खरीद हुई है और खरीद लक्ष्य को क्यों नहीं छू पा रही है, इसके संबंध में चर्चा की है और ये एक निर्देश जारी किए गए हैं कि किसानों के मोबाइल में सबको पहुंचना चाहिए, अखबार के द्वारा पहुंचना चाहिए कि अगर थोड़ा परसेंटेज गेहूं में पतला भी है या कालापन है तो कुछ केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई हैं, उन गाइडलाइंस का पालन करके और किसानों को उसकी जानकारी करके उनका भी गेहूं खरीदा जाए, इस संबंध में बातचीत की गई है और इसी की समीक्षा की गई। नहीं, ये शासनादेश जारी हो गया है। अगर कोई किसान ये कहता है कि हमारा गेहूं घर पे है तो हमारा एजेंसी क्रय एजेंसी के लोग मैनेजर जाएंगे और वहां से उनके घर से ही गेहूं खरीद के ले आएंगे। ऐसी जितनी भी शिकायतें आई हैं पिछले महीने लगभग हमने 600 के आसपास FIR कराई है और अभी मुख्यमंत्री जी ने इस पे समीक्षा बैठक की है और उसमें प्रमुख सचिव खाद्य और आयुक्त और हमें इस तरह से 21 लोगों को लगाया गया है प्रदेश में भ्रमण करने के लिए। जो भी कोटेदार ऐसा करता पाया जाएगा उसके खिलाफ 3/7 की FIR होगी और दुकान समाप्त की जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है और इसमें किसी तरह की कोई घटतौली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसमें निश्चित ही ऐसे कोटेदारों को सजा